स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज का अपडेट देवबंद से है और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में नज़र डालने वाले हैं दोहरीकरण के विद्युतीकरण पर और सामने कार्य चल रहा है। ये देखिए, ये है डेड एंड था OHE का देवबंद में और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जो नई लाइन बिछ चुकी है उसमें मर्ज किया जा रहा है। और ये देखिए, ये लोको लेकर आया है। ये देखिए, रोलर पर आपको कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर दिख रही होंगी। ये WDG4 लोकोमोटिव लाया है इसको, साथ में इस एक कोच भी है ट्रैक मशीन स्टाफ वालों का। और ये देखिए, अभी तार खींचे जा रहे हैं, अभी केवल उस पर फंसाया जा रहा है हुक के द्वारा, लेकिन अभी काफ़ी कार्य बाकी है इसमें। अभी इसमें रजिस्टर आर्म और स्टेडी आर्म लगाई जाएगी और क्लैंप वगैरह लगाकर हुक वगैरह पूरी तरीके से फिक्स कर दिया जाएगा। और ये देखिए, आगे इसी तरीके से पूरी OHE तैयार हो जाएगी। अब इस वीडियो में 3 दिन का अपडेट है, ये पहले दिन का अपडेट है। अब कल आकर देखेंगे कि यहाँ पर कितना कार्य होता है, तो बने रहिए इस वीडियो में आप लोग साथ साथ। और आज ये दूसरा दिन, और जैसे कि आप लोग सामने देख ही सकते हैं, रजिस्टर आर्म, ड्रॉपर और स्टेडी आर्म लगा दी गई हैं और तार को खींचा जा रहा है पूरी तरीके से स्केलिंग करके। इंची टेप वगैरह ले रखे हैं ये लोग। जमीन से तार की दूरी निर्धारित की जाती है और तार को खींचा जा रहा है ताकि पेंटोग्राफ आराम से इस पर छूता हुआ आगे निकल जाए लोकोमोटिव का। और अब कुछ काम की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 मार्च से 6 मार्च के मध्य मेगा ब्लॉक लिया जाएगा, जिसमें काफ़ी सारी ट्रेन्स को रद्द किया जाएगा और कुछ के रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। और इसमें इंटरलॉकिंग का कार्य है और जितने भी सीजर्स वगैरह, स्विचेस वगैरह होते हैं, लूप लाइन वगैरह, उनको जोड़ दिया जाएगा मेन लाइन से। और इसके लिए मेगा ब्लॉक लिया जाना ज़रूरी है और लिया जाएगा। और रिले रूम वगैरह बन ही रहे हैं, सिग्नलिंग का कार्य चल रहा है। और आज ये तीसरा दिन है और आप लोग देख ही सकते हैं, नज़ारा पूरी तरह बदल चुका है। ये देखिए, तार वगैरह पूरी तरीके से खींच चुके हैं, कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर पूरी तरह से फिक्स है और लग रहा है कि विद्युतीकरण हो चुका है। और तार भी चमक रही है, लेकिन धीरे धीरे तार का रंग बदल जाएगा, जैसे कि उधर दूसरी वाली लाइन का है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा वायर का, तांबे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि दूसरे लोगों तक भी खबर पहुँचे। और ये देखिए, मार्किंग भी कर दी गई है खंभों पर। ये देखिए, बाएं तरफ डाउन लाइन पर 145/23 और दाएं खंभे पर यानी कि अप लाइन पर 145/22। 145 का मतलब ये है कि मुख्यालय यानी कि दिल्ली यहाँ से 145 किलोमीटर दूर है। और नीचे लिखी हुई संख्या खंभा दर्शा रही है कि यह 22वां और 23वां खंभा है OHE का। और इवन और ऑड नंबर लिखे जाते हैं, डाउन लाइन पर ऑड नंबर और अप लाइन पर इवन नंबर लिखा जाता है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने सोचा कि आप लोगों को बताया जाना चाहिए। तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।